सरासर गलत है। चार आरोपी गिरफ्तार हो गया, पुलिस को सस्पेंड किया गया है। SO जो माखी है उनको सस्पेंड किया गया, जो चौकी इंचार्ज है, जो हल्का के इंचार्ज है उनको सस्पेंड किया गया है, जो बीट के सिपाही है उनको सस्पेंड किया गया है। शुरुआत से ही CBI जांच चाहती थी। योगी जी से कहना चाहूंगी कि यहाँ तक तो सही है, लेकिन आगे अभी हमें भरोसा नहीं है। नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। सत्ता का नशा जब पापी के ऊपर चढ़ता है तो वो ये नहीं सोचता कि आगे कौन है, और उसी सत्ता के नशे में चूर एक विधायक ने एक गरीब मजलूम पर क्या किया, ये सुनकर देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। लेकिन अपने ऊपर हुए जुल्म को सहते हुए और सत्ता की दुख और तकलीफ को झेलते हुए उस मासूम लड़की ने धीरे धीरे वो सब खो दिया जो वो सपने में भी नहीं सोचती होगी। अपने ऊपर हुए जुल्म का विरोध करने पर उसके साथ ये भी हो सकता है। ये मामला एक बार फिर सुर्खियों में है, क्योंकि रविवार को एक ट्रक ने रेप पीड़िता और उसके परिवार के लोगों को टक्कर मार दी, जिसमें रेप पीड़िता गंभीर रूप से घायल हो गई और पीड़िता की चाची और मौसी की मौत हो गई, जबकि पीड़िता के वकील गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनकी हालत नाजुक बनी हुई है। बता दें कि उन्नाव रेप केस में मुख्य आरोपी BJP के विधायक कुलदीप सिंह सेंगर हैं। विधायक कुलदीप सेंगर बांगरमऊ से BJP के विधायक हैं। वो उन्नाव के अलग अलग विधानसभा सीटों से 4 बार से लगातार विधायक रहे हैं। तो आइए जानते हैं इस मामले में कब क्या हुआ। इस कहानी की शुरुआत 4 जून 2017 से होती है, जहां उन्नाव की रहने वाली 17 साल की पीड़िता ने आरोप लगाया कि वो अपने एक रिश्तेदार के साथ BJP के विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के घर नौकरी मांगने गई थी। तब विधायक ने अपने घर पर उसका बलात्कार किया। 11 जून 2017 आरोप लगाने के बाद पीड़िता गायब हो गई। 12 जून 2017 को पीड़िता की मां ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। 20 जून 2017 को औरैया के एक गांव से पुलिस ने पीड़िता को बरामद किया। इसके बाद 22 जून 2017 को पुलिस ने पीड़ित लड़की को कोर्ट में पेश किया, जहां पर 164 CRPC के तहत लड़की ने बयान दर्ज कराया। पीड़िता ने 164 CRPC के तहत कोर्ट में जो बयान दिया, उसमें 4 जून 2017 की घटना का जिक्र किया और खुले तौर से विधायक कुलदीप सेंगर का नाम लिया। लेकिन यहीं पर सत्ता के नशे ने काम किया। पीड़िता लड़की ने पुलिस पर आरोप लगाया कि पुलिस ने बयान में विधायक का नाम नहीं लेने दिया। 30 जून 2017 को पीड़िता को पुलिस ने उसके परिवार वालों को सौंप दिया, लेकिन तब पुलिस पर उत्पीड़न का आरोप लगा। पीड़िता के चाचा ने SIT को जो बयान दिए, उसके मुताबिक 30 जून 2017 को वो पीड़िता को लेकर दिल्ली चले गए थे। 1 अगस्त 2017 को कोर्ट में चार्जशीट फाइल हुई। मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार हुए। 17 अगस्त 2017 को पहली बार पीड़िता ने मुंह खोला और 4 जून की घटना के बारे में बताया, और बताया कि 164 CRPC के बयान में विधायक का जिक्र नहीं है, इस वजह से स्थानीय पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। पीड़ित लड़की ने विरोध करते हुए 24 फरवरी 2018 को उन्नाव के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट में CRPC के सेक्शन 156(3) के तहत FIR दर्ज कराने की मांग की। 3 अप्रैल 2018 को कोर्ट ने पीड़िता की अर्जी पर सुनवाई की। सुनवाई के बाद 3 अप्रैल को गुस्साए विधायक सेंगर के भाई अतुल सिंह और उसके लोगों ने लड़की के पिता की पिटाई की, और इस पे तुर्रा ये कि पुलिस ने उल्टा इस मामले में पीड़िता के पिता पर आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर 2 दिनों तक हिरासत में रखा। 5 अप्रैल 2018 को पिता की मेडिकल जांच के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया, और सत्ता के मद में चूर आरोपी विधायक के भाई की पिटाई पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। और राज्य सरकार शुचिता की बात करती है और कहती है कि अपराधी या तो अपराध छोड़ दे या जेल में रहे, लेकिन उन्हीं योगी का एक विधायक उनके बल पर बाहर तांडव नृत्य करता रहा और पुलिस विभाग विधायक की चरण वंदना गीत गाता रहा। इसके विरोध में पीड़ित लड़की ने 8 अप्रैल 2018 को कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ FIR की मांग करते हुए लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के घर के सरकारी आवास के बाहर आत्मदाह करने की कोशिश की, और यहीं पर मामला बड़ा होता गया, क्योंकि अभी तक मामला उन्नाव में था, लेकिन अब मामला दुनिया देख रही थी। 9 अप्रैल 2018 को लड़की के पिता की मौत हो गई। मामले को तूल पकड़ता देख शासन की आंख खुली और शासन ने आदेश जारी किया। SP को आदेश दिया कि आरोपी पुलिस वालों को सस्पेंड करो। SP ने माखी SO समेत 6 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया और मारपीट के 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।
दोनों पक्षों की FIRs रजिस्टर हुई थी और उसमें कार्यवाही की जा रही है। और जैसा आप जानते हैं कि संपूर्ण प्रकरण की विवेचना और जांच लखनऊ रेंज में ट्रांसफर की जा चुकी है, तो अब लखनऊ के अधिकारी भी यहाँ पर उपस्थित हो गए हैं और उनके जांच में और विवेचना में जो भी पाया जाएगा उसी हिसाब से कार्रवाई होगी। अच्छा, कितने आरोपी पकड़े गए हैं? 4 आरोपी गिरफ्तार हो गए। अच्छा, कोई पुलिस वाले? पुलिस को सस्पेंड किया गया है। SO जो माखी है उनको सस्पेंड किया गया, जो चौकी इंचार्ज है, जो हल्का के इंचार्ज है उनको सस्पेंड किया गया है, जो बीट के सिपाही है उनको सस्पेंड किया गया है। जी सर, मौत हो चुकी है, अब कार्रवाई कर रहे हैं सर, देखो क्या होता है सर। अभी तक तो नहीं किया था पहले कुछ, अब मरने के बाद ही कर दे तो बहुत बड़ी बात होगी। कुछ पुलिस कर्मियों पे भी कार्रवाई की गई है, कुछ लोगों को पकड़ा गया है सर। माखी वालों को पूरे पकड़ ले तो सबसे मेहरबानी होगी। 10 अप्रैल 2018 को पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या की बात सामने आने पर पुलिस ने विधायक के भाई को गिरफ्तार कर लिया। 11 अप्रैल 2018 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मामले पर स्वतः संज्ञान लिया। इसके अलावा मामले को बढ़ता देख और हर तरफ से विरोध का सामना कर रही यूपी सरकार ने मामले को CBI को सौंपने का निर्देश दिया। पहले तो हम आप लोगों का धन्यवाद करना चाहूंगी जो हम यहां तक पहुंचे हैं। और मैं यही कहना चाहती हूं, मैं तो हमेशा से शुरुआत से ही CBI जांच चाहती थी। योगी जी से कहना चाहूंगी कि यहाँ तक तो सही है लेकिन आगे अभी हमें भरोसा नहीं है। अभी उनको गिरफ्तार किया गया है सर, और फिर छोड़ दिया जाएगा तो फिर क्या होगा सर? क्या इसके बाद आपको कोई डर है भी? सर अभी तो गए हैं तो अभी तो हमें जानकारी ज़्यादा नहीं है सर, और अगर फिर निकल आ रहे हैं तो डर तो है ही है सर। ठीक, किस तरीके की कार्रवाई चाहते हैं, मतलब कितनी सजा होनी चाहिए, किस तरह की सजा होनी सर चाहिए? अभी हम जान जाएंगे कि गिरफ्तार हुए कि नहीं उसके बाद। मैं तो यही कहना चाहूंगी ईमानदारी से CBI जांच करे और इनको कड़ी से कड़ी सजा दे। 12 अप्रैल 2018 को CBI ने कुलदीप सिंह सेंगर को आरोपी बनाया। CBI ने नाबालिग से रेप का आरोपी बनाया। 13 अप्रैल 2018 को CBI ने सेंगर को हिरासत में लिया और बाद में हाईकोर्ट के आदेश पर गिरफ्तार किया गया। 11 जुलाई 2018 को CBI ने पहली चार्जशीट दाखिल की जिसमें कुलदीप सिंह सेंगर का नाम था। 13 जुलाई 2018 को दूसरी चार्जशीट CBI ने फाइल की जिसमें पीड़िता के पिता को कथित तौर पर फंसाने के मामले में कुलदीप सेंगर, उनके भाई, 3 पुलिसकर्मी और 5 और लोगों का नाम शामिल किया। 18 अगस्त 2018 को नाव गैंगरेप केस में एक गवाह की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। उसके बाद बिना पोस्टमार्टम जल्दबाजी में उसे दफना भी दिया गया। यहाँ पर फिर एक बार सत्ता के बरदहस्त साहिल होने के नाते विधायक कुलदीप सेंगर वो करता रहा जो उसे करना था और CBI जैसी एजेंसी मूक दर्शक बनी रही और एक बार फिर समाज भी उस कातिल विधायक को जुर्म करते हुए देखता रहा। किसी ने कुछ नहीं बोला और इसी का नतीजा है 28 जुलाई 2019 की घटना जिसमें विधायक ने अपनी साजिश से अपने ऊपर आरोप लगाने वाली रेप पीड़िता को ही इस दुनिया से उठाने की साजिश रच डाली और ट्रक से टक्कर मरवा दी जिसमें मौसी और चाची की मौत हो गई। जो लीगल फॉर्मेलिटीज हैं पोस्टमार्टम वगैरह के बाद आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। आज करीब आधे घंटे पहले, करीब एक घंटे पहले, जो महेश सिंह है जो जेल में निरुद्ध है उनके द्वारा एक तहरीर दी गई है। उस तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और इसी के साथ उन्होंने उस तहरीर के साथ एक एप्लीकेशन भी दी है जिसमें उन्होंने इस मुकदमे को CBI में ट्रांसफर करने के लिए रिक्वेस्ट किया है। उस रिक्वेस्ट के आधार पर भी हमारे पास रिपोर्ट आ रही है और उसमें शासन के मंतव्य से DG UP साहब ने आपको कुछ देर पहले बता दिया था, वो जैसे ही वो रिपोर्ट आती है उसको CBI में स्थानांतरित करने के लिए यहां से रिकमेंड कर दिया जाएगा। हालांकि अभी जांच का विषय है और उसके बाद ही ये पता चलेगा कि क्या इसमें विधायक का हाथ है या नहीं, लेकिन एक बार फिर ये सवाल उठने लगा है कि क्या देश में न्याय पाना इतना मुश्किल है कि अगर आपने किसी शक्तिशाली के खिलाफ मुंह खोला तो आपके साथ ही आपके परिवार की कुर्बानी देनी पड़ेगी। पहले तो हम आप लोगों का धन्यवाद करना चाहूंगी जो हम यहां तक पहुंचे हैं। और मैं यही कहना चाहती हूं, मैं तो हमेशा से शुरुआत से ही CBI जांच चाहती थी। योगी जी से कहना चाहूंगी कि
यहाँ तक तो सही है, लेकिन आगे अभी हमें भरोसा नहीं है। अभी उनको गिरफ्तार किया गया सर, और फिर छोड़ दिया जाएगा तो फिर क्या होगा सर? क्या इसके बाद आपको कोई डर है भी? सर अभी तो गए हैं, तो अभी तो हमें जानकारी ज़्यादा नहीं है सर, और अगर फिर निकल आ रहे हैं तो डर तो है ही है सर। ठीक है, किस तरीके की कार्यवाही चाहते हैं, मतलब कितनी सजा होनी चाहिए, किस तरह की सजा होनी सर? अभी हम जान जाएंगे कि गिरफ्तार हुए कि नहीं, उसके बाद मैं तो यही कहना चाहूंगी ईमानदारी से सीबीआई जांच करे और इनको कड़ी से कड़ी सजा दे बस।